बहुत कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा और बेहतर है और ये मुझे अच्छा लगा। अगर और ऑफर आएंगे तो इसमें मैं कलर मंगा लूंगी वाले जी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। हाँ, कंफर्टेबल भी है, खूबसूरत भी लग रहा है। तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ दिन में। रीज़न भाई, हम 5 मेंबर्स हो गए और अब हमने हमारे बच्चों को ऐसी आदत डाली है कि उनके लिए अलग से खाना नहीं बनता है, जो हम खाते हैं वही खाते हैं। तो भाई 5 मेंबर्स हैं तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, फिर ये लोग दिन में आते हैं, दिन का खाना बनता है, बच्चों का स्नैक्स रहता है रात के लिए, तो मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी 11-12 बजे बच्चे अच्छे से खा के नहा के सोते हैं, वो भी आपका लक हुआ तो, नहीं तो सोया हुआ बच्चा भी उठ जाता है इस तरीके से। तो रीत सो रही है, मीत उठ गई है, तो मैं उसे किचन में वॉकर में ले आई और मैं दाल पालक बना रही हूँ लंच में। और टिफिन में ऑलरेडी मैं पनीर भुर्जी पराठे बना चुकी थी गीत के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन क्या होगा ना, अब जब ये दोनों उठेंगे तो एक वॉकर भी यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न कि चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर ये दोनों, तो मुझे जब तक ये लोग सोते हैं तब तक दिन भर, जब तक मालवीय जी नहीं आ सकते, आ जाते दिन और शाम 8 बजे तक का खाने का इंतज़ाम करके अब रखना पड़ता है 3 बच्चों का, क्योंकि मैं यहाँ आऊँगी ना, यहाँ स्पेस कम है, इनको लग सकती है, मुझे पकड़ के दोनों पैरों को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो बहुत अति हो जाती है। तो क्या फ्रूट्स भी काट के रखने पड़ते हैं मुझे, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें काट कूट के रखनी पड़ती है। तो ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि मैं खाना ही बनाती रहती हूँ क्या। हाँ यार, अब आगे तो चीज़ें ही नहीं मिलती। हाँ, ये रखा मैंने, तो रखा था, तो इसलिए दोस्तों मैं बात नहीं कर पाती हूँ, वीडियो व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ। रीज़न ये, मैं बनाना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ बच्चों के छोटे छोटे वीडियोस बने। हम मंथली फ़ोटोज़ भी नहीं बना पाए, बच्चे 1 साल के हो गए, तो क्या करें यार। अकेले मैनेज करना, स्मार्टली मैनेज करना पड़ता है, पता है हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, लेकिन 3 बच्चों को स्मार्टली करने में भी हर्डल्स तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। वो तो आप लोगों का क्या हो बेटा, आप लोगों का सपोर्ट था कि वो जर्नी रोते रोते मैंने 6-8 महीने की रोई में इतना ज़्यादा कि अब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई। दा 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 दा। तो अभी मैं पालक साफ कर रही थी, कुछ रह गए इसे बाद में करूँगी। तो ये सब्जी, ये मसाला फ्रेंड्स ज़्यादा दिख रहा होगा, मैंने ज़्यादा बनाया है कि मैं निकाल लूँगी और शाम को सब्जी में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि शाम को भी बहुत लेट हो जाता है। मुझे याद आता है वो टाइम जब माले जी और मैं अकेले रहते थे, पहले हम देवर जी के साथ रहते थे, फिर इंदौर आ गए तो अकेले रहते थे, तो सुबह खाना बनता था, दोनों वर्किंग थे और शाम को सिर्फ रोटी बनती थी, वही सब्जी आधा किलो वाली काम आ जाती थी। पर अब ऐसा नहीं रहा है, सर्कमस्टेंसेस हमेशा बदलते रहते हैं, है ना मी। हाय मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा है तू तो भाई गीत रानी हमारी स्कूल से आ गई है, हैंड वॉश वगैरह हो गया है, कपड़े चेंज हो गए हैं, और किसका बर्थडे था, किसी का स्कूल में बर्थडे था, क्या है, लॉलीपॉप। बेटा ये आप खाते नहीं हो, खोल जरूर रहते हो पर खा नहीं पाते हो, खाना है हाँ। पर बेटा यहाँ सेना तैयार है ना और भी खाने के लिए। अरे यार मैं क्या करूँ दोस्तों, आप लोग बोलते हो पर बालों का क्या करूँ, टिकते ही नहीं है इनके बालों पे कुछ भी, कटवाना पड़ेगा, कटवाना पड़े। अरे उसके ऊपर चढ़ गई मम्मा, कोलू में चढ़ के आते हैं दोस्तों एक दूसरे के ऊपर। हाँ नीचे स्टिक वो होगी, डंडा होगा नीचे ये वाला, ऐसे खा के दिखाओ, नहीं खाओगी मुझे पता है, ये फिकनी है। चूसते हैं इसको, कैसी है, अच्छी है, फिर खा लो, अच्छी बात है। पहले जब भी दिलाई इसे पसंद नहीं आती थी, ऐसी हम नहीं दिलाते टॉफी चॉकलेट। आज ऑफिस आया था मगर आज बहुत पेन कर रहा है यार, आज नहीं क्यों, मेरे साथ कल भी टेबलेट नहीं खाई थी, मैंने टेबलेट बंद करके देखते हैं पेन किलर, क्योंकि पेन किलर भी कितने खाओगे यार, और फिर नुकसान करती है बॉडी को ना, तो कोशिश करी थी खा के देखा, मगर पेन तो कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब बाइक घर जा रहे हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं पेन किलर खाना हुआ तो खाते हैं, बाकी सब चंगा है। दोस्तों फाइनली मेरी रिक्वेस्ट से आज मालवीय जी आ गए हैं, हालांकि मुंह बना के बैठे हैं क्योंकि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, आ नहीं रहे थे, बट जैसा कि मैंने आपको बताया 1-2 दिन भी हफ्ते में आ जाएंगे तो मुझे रिलैक्स मिलेगा, और हमारी सेना जहां जहां हम जाते हैं वहां पहुंच जाती है, पापा के साथ ही खाना खाते हैं, हालांकि मैं लाऊंगी अलग बैठ के, मैं पहले इनको खिलाऊंगी फिर खाऊंगी, पर ये उनको फिर भी पापा के हाथ से ही खाना होता है, जिसकी थाली
जिसकी थाली हरी भरी दिखेगी वही खाए, उन्हीं के पास जाते बच्चे, है ना। मैंने कहा था ना ये लॉलीपॉप नहीं खाएगी, पता ये खाती नहीं, इसने खुलवा लिया और रख के आ गई किचन में। फ्रेंड्स ये बहुत कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा और बेहतर है और ये मुझे अच्छा लगा। अगर और ऑफर आएंगे तो इसमें मैं कलर मंगा लूंगी वालों जी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल भी है, खूबसूरत भी लग रहा है। अच्छा कितने का होगा? घर पे पहन सकते हो। कितने का होगा दोस्तों? आज उम्मीद करके था, हाँ एक्चुअली में ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है और बहुत ही सस्ते हैं, आप भी यकीन नहीं मानोगे ये 400 की रेंज के नीचे के हैं। कितने के रचना? 300 रुपए से भी कम के। मेरी तो प्लस साइज है इसलिए मुझे इतना, जिन लोगों को मीडियम लार्ज आता है उनको तो 100। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीति फैमिली ब्लॉग। और ये वीडियो आज एक स्पेशल हॉल वीडियो है किड्स वेयर का, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि भाई माया जी और मैंने तो खूब शॉपिंग करी, क्योंकि वेडिंग सीजन आ चुका है, शादियां शुरू हो रही है, बहुत सी जगह हमें रिसेप्शन पे जाना है, तो बच्चों के लिए भी तो कुछ अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो ऐसा रहता है ना, बच्चों के कपड़े खरीदने में हमें डर भी लगता है, क्योंकि ग्रोइंग बच्चे हैं तो जल्दी से कपड़े छोटे होने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ शॉपसी ऐप के बारे में, जिसके थ्रू आप रीजनेबल रेट पर किड्स वेयर अच्छे अच्छे खरीद सकते हैं। दिखाती हूँ मैंने आप क्या क्या मंगवाया दोस्तों। ये है शरारा सेट जो मैंने शॉपसी ऐप से मंगवाया था गीत के लिए, क्योंकि गीत की बुआ की शादी है और वहीं पे शादी में गीत ये ड्रेस पहनने वाली है। गीत कैसा है ये ड्रेस? अच्छा है, हाँ बिल्कुल सही आया है, फिट है और बहुत ही खूबसूरत है। और फ्रेंड्स रीत और मीत के लिए ये सिंपल सा मैंने ड्रेस मंगाई, पर फ्रेंड्स बहुत प्यारा ड्रेस है, इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है बहुत अच्छी है और मुझे तो खुद यकीन नहीं होता अंडर 300 रुपीज इतनी अच्छी क्वालिटी, और ट्विंस बेबी है तो भैया मुझे तो इस तरह की क्वालिटी इतने अच्छे रुपए में मिल गई तो मुझे और क्या चाहिए, है ना रीत। तो फ्रेंड्स ये है लहंगा जो रीत और मीत यानी कि दोनों ट्विंस के लिए मैंने मंगवाया है, तो शादी के दिन ये पहनेंगे ये लहंगा। जरा बताइए कैसा लग रहा है इतने कम प्राइसेस में, वाह मजा आया, मजा मजा। तो दोस्तों देखिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मुझे मिली हैं शॉपसी ऐप से, मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेसेस पसंद आई होंगी। और इसके अलावा वैरायटी ऑफ ड्रेस किड्स वेयर अवेलेबल है, हर तरह के वेस्टर्न एथनिक जम्प सूट डंगरी बहुत कुछ है, तो आप जाके चेकआउट कीजिए शॉपसी ऐप को। और सच में फ्रेंड्स रीजनेबल रेट पर है अंडर 300 और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में, बाय। दोस्तों मैंने बुला तो लिया था अपने लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं बहुत दर्द हो रहा है, खाना खा के बहुत सुस्त हो गए हैं, उठ नहीं रहे, अब जाना भी है भाई इस ऑफिस वापस। अरे दर्द हो रहा है चले आएंगे, कोई सुस्त नहीं हुए हैं, दर्द हो रहा है। अभी तो कहते कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अजीब सा लग रहा है। तो आज फिर हम निकले हैं घूमने, मीत रीत आया रीत ए ए ए रीत बहुत खुश होती है जैसे बाहर निकलने की बात होती है, रीत के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों बहुत कुछ नया करने का मन कर रहा है, देखो हो पाता है कि नहीं, अभी हम जा तो रहे हैं उसी पर्पज से, मगर जब हो जाएगा तभी दिखाएंगे। कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं हमारी लाइफ में, ये है ना ऑलरेडी फोर में, तो हो जाएगा तब बताएंगे, अन्य से नहीं तो ब्लॉग तो बोलना पड़ेगा। हाँ ना बेटा, तो हम पहुँच गए हमारी मंजिल, रोज की मंजिल है काऊ को घास खिलाना। हाँ हाँ बेबी, हाँ बेबी काऊ, बेबी गीत कह रही है, चलो बेबी काऊ भी है बड़ी काऊ भी है। ओ बेबी कहाँ है अपन, काऊ को खाना खिलाने आए? पापा मीत ने भी खिलाई, हाँ मीत ने भी खिलाई ना, चले घर बाय कर दोगी क्या ना, कल आऊंगी कल आऊंगी, ठीक है नीचे से वो उठा लेंगे बेटा, आज अपने पास बेबी है ना तो अपन नीचे से भी उठा के दे देते हैं, अब वो काऊ उठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है।